हेलो नमस्कार, आप लोग का फालिंग में स्वागत है। और यहाँ पर हम देखेंगे सामान्य हिंदी की जो सीरीज चले, जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं जिसमें प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो उसको जो है अध्याय कौन सा आपका वर्णमाला चला है, तो वर्णमाला में लगभग जो है मोस्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर जो है लगभग 150 से 200 के आसपास के, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं, तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ पे हैं और जिसके लिए आपको समय दिया जाता है 10 सेकेंड। फटाफट जवाब जरूर करें कि भाई कौन सा किसका राइट आंसर होगा। शुरू करेंगे और देखेंगे वन बाई वन सभी क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जवाब करें और इसके लिए समय भी आपका स्टार्ट हो चुका है। फटाफट जवाब करें पहले क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन का हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, तो मूलतः जो है वर्णों की संख्या की अगर आप बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 52 होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 52 होती है, यानी 52 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसके लिए समय आपका स्टार्ट है, फटाफट जवाब करिए। क्वेश्चन है छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, छ ध्वनि की आप बात करेंगे तो ये जो आती किसके संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आएगी, क्योंकि इसमें का और सा आपका दोनों देखने को मिलता है, तो इसलिए ये क्या रहेगा संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आएगी, यानी आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, संयुक्त वर्ण नेक्स्ट है और उसको अभी जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ड के बाद, देखिए छ की बात कर रहा है, छतरी वाले छ की बात कर रहा है यहाँ पे, तो जो उसका क्रम होता है वो किसके बाद आता है, तो उसका क्रम जो है का के बाद आता है। ठीक है, देखिए का के बाद आता है, क्योंकि का प्लस आपका सा रहता है, तो का से स्टार्ट होता है, का के बाद ही इसका क्रम में रखा जाएगा। नेक्स्ट देखिए और उसका जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन रखा है ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, तो ज्ञा वर्ण की बात की जा रही, तो ज्ञा का जो संयोग होता है आधा जा होता है और आपका इया होता है। ठीक, जा और इया होता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है और उसका भी जवाब करिए फटाफट। क्वेश्चन है आघोष वर्ण कौन सा है, तो आघोष वर्ण की बात की जा रही है, तो आघोष वर्ण आपका कौन सा दिख रहा है इसमें, तो आपका जा जो यहाँ पे आघोष वर्ण के अंतर्गत आ रहा है, ऐसा है क्या, नहीं भाई, आघोष वर्ण में आपका कौन आएगा, सा यहाँ पे आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा सा आपका जो डी ऑप्शन दिख रहा है वो आपका क्या आएगा, आघोष वर्ण में आएगा। तो होता क्या कि प्रथम वर्ग की जो है, सॉरी प्रत्येक वर्ग के जो है आपका क्या होता है कि प्रथम और द्वितीय, ठीक है, प्रथम और द्वितीय जो वर्ण होते हैं क्या होते हैं आपके अघोष होते हैं, और फा हो गया, सा हो गया मतलब सलजम वाला, उसका सरसों वाला, ये सब भी आपके क्या होते हैं यहाँ पे साघोष में ही आते हैं। ठीक है, खटकोड़ वाला सा भी इसी में आएगा, सॉरी साघोष नहीं आघोष में आएंगे। ठीक है, ये सभी आघोष में कौन का, प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा आपका फा सा सलजम वाला और खटकोड़ वाला और सरसों वाला सभी जो आपके किस में आएंगे, अघोष वर्ण में आएंगे, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। नेक्स्ट देखिए और उसका भी जवाब करिए फटाफट। इसे देखिए क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, इसलिए वजह से इनके क्वेश्चन हम ज़्यादा करेंगे। क्वेश्चन है घा का उच्चारण स्थान है, तो घा के उच्चारण स्थान की बात करेंगे तो कहाँ पे होता है, तो ये आपका किस में आएगा, कंठ में आता है, का वाले में आता है, तो का में जो कंठ में है तो आपका क्या हो जाएगा, सभी आपके कंठ वाले हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखिए और उसका जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन देखा इनमें से संयुक्त तो व्यंजन है, तो संयुक्त तो व्यंजन आपका कौन सा हो सकता है, जो दो व्यंजनों के मेल से आपका बना होगा, जैसे कि जा और कि इया से आपका कौन मिल के बना है, ज्ञा बना है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए और उसका जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन देखा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, तो मतलब दांत से नहीं बोला जाता है, तो कौन सा इसमें नहीं होगा, ता आपका ठीक है, था देखिए ता वाले में जो है सभी रहेंगे, ता था द धा ना ये भी है, लेकिन टा आपका आ रहा है, टा आपका इसमें नहीं होगा, ध्यान रखिएगा टा आपका इसमें नहीं होगा। ठीक है, ये तालु में चला जाएगा।
नेक्स्ट है और उसका भी जवाब करें फटाफट। ऑप्शन के साथ किया करिए, मतलब आप जो है नंबर के साथ किया करिए कमेंट, तो ज़्यादा सही रहता है कि मतलब किस नंबर के आप क्वेश्चन का जवाब कर रहे हैं ये पता चले। क्वेश्चन, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिनके शब्द में आ आएगा यानी स्मॉल आ की मतलब छोटे आ की बात कर रहा है तो उन्हें हम क्या कहेंगे? आकारांत कहेंगे। ठीक है, देन के क्या कहेंगे? आकारांत उनको हम कहेंगे। नेक्स्ट का जवाब करें और उसका भी राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट करके बताते रहें। तो सभी यहाँ पे जो प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चन उन्हीं को लिया जा रहा है क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब बार बार एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो स्वरों की कुल संख्या की बात कर रहा है तो हिंदी वर्णमाला में जो कुल स्वर होते हैं कितने होते हैं भाई? आपका 11 होते हैं, ध्यान रखिएगा 11 हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पे 10 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और उसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है, आप फटाफट जवाब करें। क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो भाई व्यंजन पूछे जा रहे थे, व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं, यानी कि 33 आपका व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट देखिए और उसका भी जवाब करें फटाफट, समय आपका स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो मूल दीर्घ स्वर की बात कर रहा है तो मूल दीर्घ स्वर में आपके कौन कौन आते हैं? आ आएगा, ई आपका बड़ी ई आएगा, बड़ा ऊ आएगा, लेकिन ओ आपका यहाँ पे मूल दीर्घ स्वर में नहीं आता, यानी आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखिए और उसका भी जवाब करें फटाफट, 13 का जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियों की बात करें तो ध्वनियाँ जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ध्वनियाँ जो है कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन दे रखा, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वरों का जो प्रकार होता है कितना होता है? 3 होता है, ध्यान रखिएगा, मात्रा के आधार पर स्वरों का प्रकार कितना बनाया गया? 3 बनाया गया। नेक्स्ट देखिए और उसका भी जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है, जिह्वा के आधार पर स्वर की, देखिए अभी आपने मात्रा के आधार पर देखा, अब जिह्वा के आधार पर पूछ रहा है तो जिह्वा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो भी कितने होते हैं? 3 ही होते हैं। ठीक है, यानी कि वो भी कितने होते हैं? 3 ही होते हैं। नेक्स्ट और उसका भी जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं? तो एक से अधिक अगर वर्ण मिलते हैं तो उनके मेल को हम क्या कहेंगे? तो उनके मेल को हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? व्यंजन। नेक्स्ट देखिए और उसका जवाब करें फटाफट। ई और चा छा जा दा और यहाँ आदि का उच्चारण किस से होता है? तो इनके उच्चारण की बात कर रहा है तो इनका जो उच्चारण, सभी का उच्चारण आपका किससे होगा? तालव्य से होगा, ध्यान रखिएगा, तालव्य से। नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है, जिन का उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होते हैं और व्यंजन में सहायता करते हैं तो उनको क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। नेक्स्ट देखिए और उसका जवाब करें फटाफट क्या होगा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? तो दीर्घ स्वर आपका इसमें से कौन है? देखिए ए ए आपका दोनों है, बड़ी ई भी है, लेकिन छोटी ई आपका यहाँ पे क्या दीर्घ स्वर में नहीं आ रही है। ठीक है, ये दीर्घ स्वर में आपका नहीं आ रही तो इसका ध्यान रखना आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे? ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए और उसका भी जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन की बात कर रहा है तो अंतस्थ जो व्यंजन होता है वो आपका कौन सा आ जाएगा? वाह हो जाएगा, ध्यान रखिए वाह आपका यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट और यहाँ पर जवाब करें फटाफट।
क्वेश्चन है निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो अंतस्थ में देखिए अभी आपका जस्ट ए पीछे क्वेश्चन है, शायद ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, तो यहाँ पे जो है इसको लेकर परेशान नहीं होना, ठीक है, इसका वाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और उसका जवाब करें। क्वेश्चन है निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। तो अल्प प्राण व्यंजन की अगर आप बात करेंगे तो अल्प प्राण व्यंजन जो है कौन सा होता है, गा यहाँ पे आपका हो जाएगा। अल्प प्राण में आपके कौन कौन आएंगे, जो तीसरे नंबर पे होगा, चतुर्थ नंबर पे और पंचम नंबर पे कैसे होंगे, अल्प प्राण होंगे, ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट देखिए और उसका भी जवाब करें फटाफट। कह रहा है कि निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। तो घोष वर्ण तो आपका एक ही है, यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑप्शन के अनुसार, जा आपका यहाँ पे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। नेक्स्ट देखिए और उसका भी जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है। तो ओष्ठ वर्ण जो ओट के यहाँ पे सहयोग से बोला जाएगा, तो ओष्ठ से यहाँ पे ऊ हमारा बोला जाता है, ठीक है, ऊ आप जब बोलेंगे तो आपका देखिए जो ओट होगा उस जो है आपका उनके बीच का जो है संपर्क देखने, रिलेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है और उसका भी जॉब करें फटाफट। क्वेश्चन है काकल्य वर्ण कौन सा है। तो काकल्य वर्ण की बात कर रहा है, तो काकल्य वर्ण हा को कहते हैं, ध्यान रखिएगा, काकल्य वर्ण हा हो जाएगा। नेक्स्ट और उसका भी जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन देखा या का उच्चारण स्थान है, या की बात कर रहा है, या जो उच्चारण स्थान आता है किसमें आता है, तालु में आता है, ध्यान रखिएगा, तालब। नेक्स्ट देखिए और उसका भी जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है रा का विवरण है, मतलब रा जो है क्या क्या हो सकता है, मतलब क्या क्या होता है। तो रा जो है वर्तस्य होता है, लुंठित होता है, संघोष होता है, अल्पप्राण होता है और व्यंजन होता है। तो मतलब आपका ए ऑप्शन ही यहाँ पे आपका सही है, ठीक है। तो ये वर्तस्य होता है, लुंठित, संघोष, अल्पप्राण, व्यंजन कौन, आर, आर यहाँ पे रा यानी। नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने हैं। अंतस्थ और उष्म वर्ण दोनों को मिलाने की अगर बात करेंगे तो आठ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आठ हो जाएगा। नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है दीर्घ का वर्ण विच्छेद, दीर्घ ऐसे आपका लिखा हुआ है इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो वर्ण विच्छेद आपको बनेगा, तो यहाँ पे री है, गा है और आ है, तो आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए और इसका जवाब करें फटाफट। तो क्वेश्चन है सघोष वर्ण कौन सा है। सघोष वर्ण की बात कर रहे हैं, तो सघोष वर्ण आपका इसमें कौन सा देखने को मिल जाएगा, बा देखिए, पा फा बा, मैंने अभी जस्ट बताया था, तीसरा, चौथा और पांचवा स्थान पे जो भी रहेगा आपका क्या होगा, उस सघोष में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट और यहाँ पर जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है उष्म व्यंजन कौन सा है। उष्म व्यंजन की बात कर रहा है, तो उष्म व्यंजन हा आएगा आपका, ध्यान रखिएगा, हाँ, आपके जिनके बोलने में जो है हमें गर्मी अंदर से निकलती है, ठीक है, मुख से जो हवा निकलती है उसको उसमें व्यंजन में रखा जाएगा। नेक्स्ट देखिए और फटाफट उसका जवाब करें। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं है। तो टा ठा, देखिए टा ठा, ठा या ए भी है, डा है ए भी है, टा ठा डा ढा यहाँ पे ए भी है, अड़ा भी है, और यहाँ पे आपका क्यों नहीं है, धा यहाँ पे नहीं, यानी आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ए आपका किस में आ जाएगा, ता वर्ग में, ता था दा धा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए और उसका भी जवाब करें फटाफट।
क्वेश्चन है हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं। तो हिंदी की भाषा जो होती है उसकी कुल वर्ण लिपियों की अगर आप बात करेंगे तो कितनी हो जाएंगी। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियों की जो संख्या कितनी 52 हो जाएगी, यानी 52 हो जाएगी, यानी कि 52। नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट, 34 का राइट आंसर क्या होगा, नंबर के साथ कमेंट करा करें, ठीक है। क्वेश्चन है जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं, मतलब जिनकी ध्वनि जो है मुख से निकलती है उसमें नाक का कोई भी सहयोग नहीं होता, तो उनको हम क्या कहते हैं, निरुनासिक कहेंगे, ठीक है। निरुनासिक भी इनको कह सकते हैं, मतलब जिनका जो नाक की सहायता से नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट, क्वेश्चन है अर्धविवृत स्वर है, अर्धविवृत स्वर आपका इसमें कौन सा देखने को मिल रहा है, ए आपका हो जाएगा, ठीक है, आय हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसका आय आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट और जवाब करें इसका भी फटाफट, क्वेश्चन आपका है भाई सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं। तो जो सभी स्पर्श जो भी व्यंजन है सभी आपके कहाँ पे हैं, तो देखिए आपका इसमें दिख रहा है का दिख रहा है, चा दिख रहा है, पा दिख रहा है और दा दिख रहा है, ये आपके क्या है स्पर्श व्यंजन में आ रहे हैं, यानी आपका सी ऑप्शन यहाँ पे क्या है सही है। तो नेक्स्ट का जवाब कर दें फटाफट, क्वेश्चन है सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है, तो इसमें जो आपका सभी महाप्राण जिसमें होंगे वही आपका यहाँ पे आंसर पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए खा और छा और ठा ये आपके क्या है महाप्राण वाले हैं, मतलब महाप्राण में कौन आएगा, जैसे कि चा छा जो आपको फर्स्ट और सेकेंड नंबर पे होगा, टा ठा देखिए खा भी आपका सेकेंड नंबर पे, चा छा छा भी आपका सेकेंड नंबर पे, उसके बाद आपका ठा भी सेकेंड नंबर पे, सभी महाप्राण वाले हैं। नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट, क्वेश्चन है जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है, एक ही ध्वनि का जब द्वित्व होगा तो उसको क्या कहेंगे, राइट आंसर की बात तो उसको युग्मक ध्वनियाँ कहा जाएंगे, क्या कहेंगे युग्मक ध्वनियाँ कहेंगे, यानी बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट का जवाब देखिए क्या है फटाफट जवाब करें, नंबर के साथ कमेंट करा करें कि भाई आप 39 का कर रहे हैं या 40 का कर रहे हैं, जिसका भी करें नंबर के साथ किया करें, ठीक है। क्वेश्चन है वा व्यंजन है, तो मतलब वा जो है किस प्रकार का व्यंजन के अंतर्गत आता है, तो वा जो है हमारा अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है, यानी आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखिए और उसका भी जवाब करें फटाफट, क्वेश्चन है लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे कहते हैं, तो भाई उसे क्या कहेंगे, तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो उनको क्या कहते हैं, तो उनको हम लिपि कहते हैं, ध्यान रखिएगा लिपि उनको हम कहते हैं, ठीक है, यानी आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और उसके लिए आपका जवाब क्या होगा फटाफट कमेंट करें, क्वेश्चन है पा फा बा भा मा, तो ये आपके किससे बोले जाते हैं, किस प्रकार के व्यंजन आते हैं, तो फटाफट इसको बताएं भाई पा फा बा भा मा, तो इसके अगर राइट आंसर बात है तो सभी को ओट के सहयोग से बोला, यानी ओष्ट व्यंजन ये सभी हैं। नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट, कह रहा है दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, तो भाई जब दो व्यंजन एक साथ मिलेंगे तो उनको हम क्या कहेंगे संयुक्त व्यंजन कहेंगे, क्या कहेंगे संयुक्त व्यंजन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए और उसका भी जवाब करें फटाफट, क्वेश्चन वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या हैं, तो ये सब जो है क्या होते हैं स्वर की बात की जा रही है, स्वर की जो है खासियत के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए और उसका भी जवाब करें फटाफट, क्वेश्चन है स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनियाँ
आघोष और महाप्राण ध्वनि है। तो इसमें जो है कोई ऐसा है कि जो स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ ध्वनि भी है, और अघोष भी है, और महाप्राण भी है। तो महाप्राण आपका पहले इसमें से कौन सा, उसको छांट लेंगे। जैसे कि का है और गा आपका है नहीं, खा आपका यहाँ पे है, उसके बाद आपका लास्ट में जो दिख रहा है वो भी आपका नहीं है, ठीक। चा भी आपका नहीं है, तो मतलब का या खा दोनों में से कोई ना कोई आपका होना चाहिए, है ना, बात तो यही है। तो आपका देखिए, अब स्पर्श व्यंजन की आपकी बात करेंगे तो खा की बात, कंठ ध्वनि की बात करेंगे तो खा उसमें भी, अघोष आपका जो है उसमें भी खा आपका आ रहा है। तो क्या हो गया यहाँ पे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, और उसका भी जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है, दंत ओष्ठ ध्वनि कौन सी, मतलब जो दांत और ओठ दोनों के सहयोग से बोली जाती है तो वा होता है, क्या होता है, वा। नेक्स्ट देखिए, और उसका भी जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालब है, मतलब कंठ और तालब की सहायता दोनों से बोला जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, फटाफट उसको बताइए भाई, कंठ और तालब की दोनों से की सहायता से इसमें कौन सा बोला जा रहा है, ऐसा वर्ड कौन सा है। तो उसकी बात करेंगे तो ए आपका यहाँ पे देखने को मिला, ए आपका डी ऑप्शन में ही आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और उसका भी जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है, टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है, तो टा आपका किस प्रकार की आपके ध्वनि के अंतर्गत आएगा, अगर इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो मूर्धन्य में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मूर्धन्य यहाँ पे आपका हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मूर्धन्य यहाँ पे आपका हो जाएगा। उच्चारण की दृष्टि से बात कर रहा है, ठीक है, ध्वनि के हिसाब से बात करेगा तो जो उसका अलग हो जाएगा, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से आपका किस में, मूर्धन्य में आ जाएगा। जब जिह्वा की बात करेंगे तो वहाँ पे जो उसका किस में आ जाएगा भाई, फटाफट उसको भी बताएं, तब वो तालु में चला जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, और उसका भी जवाब करें 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर की बात कर रहे हैं, तो भाई दीर्घ स्वर जो है आपका कौन सा इसमें है, 48 में राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका आ जो है यहाँ पे दीर्घ स्वर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और उसका जवाब करें फटाफट कि राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन, अनुस्वार किसका कार्य करता है, तो अनुस्वार जो होते हैं वो किसके कार्य की बात करते हैं, तो अनुस्वार की अगर बात करेंगे तो पंचम वर्ग का है, ठीक है, तो पंचम वर्ग का कार्य करता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, और आपका उसका जवाब करें फटाफट, और लास्ट भी आपका यही है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, तो संयुक्त स्वर की बात कर रहा है, तो इसमें जो कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, अगर उसकी बात करेंगे तो आपका ऊ जो होता है वो क्या होता है, संयुक्त स्वर नहीं होता है, वो सिंगल होता है, ठीक है, सो संयुक्त स्वर में नहीं आएगा। तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 50 क्वेश्चन थे, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, सभी आपके कंप्लीट भी हो गए, क्योंकि आपका प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। इसको शेयर करें मैक्सिमम लोगों के पास, और इसका PDF आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे जरूर जुड़े टेलीग्राम पे, ताकि आपको इसका PDF मिल जाए, पीथ आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए पानी अभिदास सर, थैंक यू।